देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे थे, जहां जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। भाषण की शुरुआत छत्तीसगढ़ी में की। प्रदेश के देवी देवताओं को याद करते हुए उन्होंने जय जोहार से लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने सभा में आ रहे 3 कार्यकर्ताओं की सड़क हादसे में मौत पर श्रद्धांजलि दी। अपने 30 मिनट के संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में एक ही चर्चा है कि बदलबो बदलबो ए दारी सरकार बदलबो। यह राज्य भाजपा ने बनाया है और यहाँ के लोगों को भाजपा ही समझती है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर शराब घोटाले को लेकर जमकर हमला किया। मोदी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की और कहा कि कांग्रेस करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन हर भ्रष्टाचारी सुन ले, भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की गारंटी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7600 करोड़ के कई योजनाओं की सौगात दी। जनसभा से पहले लोकार्पण समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम लगातार केंद्र से मदद मांगते रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहते हैं, जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिला है। आगे भी हम छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए पीएम से मांग करते रहेंगे। सड़क, पेट्रोलियम और दूसरे विभागों से जुड़ी योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर अंतागढ़ रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना की। बस्तर के इस इलाके को इसके साथ ही पहली ट्रेन मिली। ये प्रदेश के दूसरे हिस्सों से अब अंतागढ़ को जोड़ेगी। इस बात प्रधानमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को सीधी मदद दी। इसके बाद प्रधानमंत्री यूपी के लिए रवाना हो गए। साथियों, भारत सरकार का कमिटमेंट है कि जहां प्राकृतिक संपदा है वहीं नए अवसर बने, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीबों के लाखों घरों को यहां कांग्रेस ने रोक करके रखा है कि सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है। केंद्र से हमेशा अपेक्षा रहेगी कि हमको, क्योंकि हमारा राज्य नवोदित राज्य है, ज्यादा से ज्यादा राशि हमको छत्तीसगढ़ को मिले।